अब फ्रेंड्स हम देखते हैं डिटरमिनेंट्स, एडजोइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं डिटरमिनेंट। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर ऑफ विच इज नोन एज डिटरमिनेंट। द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज नोटेड बाई मोड ए एंड ए बराबर ए आई जे। अगर ए एंड ए बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो फ्रेंड्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले सबसे पहली बात डिटरमिनेंट्स किस मैट्रिक्स का निकलेगा? हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स नहीं निकलता है फ्रेंड्स। तो किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तभी निकलेगा जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो पहली कंडीशन डिटरमिनेंट निकालने के लिए कि मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं हम और उस मैट्रिक्स को हम एक नंबर दे देते हैं, एक नंबर निकल जाता है। वो नंबर जरूरी नहीं है कि फ्रेंड्स हर मैट्रिक्स का अलग अलग हो, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट सेम भी हो सकते हैं, दो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट सेम भी हो सकता है। तो उसको हम किस तरह से निकालते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। सपोज हमारे पास गिवन बाय मोड ए, यानी मोड ए इस तरह से, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो सिंपली था, लेकिन जब हम मोड ए निकालते हैं तो इसको जो ये लाइन जो होती है डिटरमिनेंट्स में, ये लाइन इस तरह से यहाँ पे भी लाइन डिटरमिनेंट्स में इस तरह से बनी हुई होती है, लेकिन मैट्रिक्स में ये लाइन सीधी होती है। तो इसको हम सीधी करना होगा, इस तरह से सीधी लाइन होती है। ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स इस तरह से हम निकालते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस डिटरमिनेंट। फ्रेंड्स आगे हम ये भी देखेंगे कि इसको डिटरमिनेंट्स किस तरह से निकाल सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट्स किस तरह से हम निकाल सकते हैं।